संभल में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई है। मामला बनियाठेर थाना क्षेत्र का है, मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे का ये मामला, जहां हादसे में रोडवेज सवार 3 लोगों की मौत की खबर, जबकि 12 से ज़्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उनको अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया गया है। हादसा इतना भीषण था कि रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी, संभल से खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल, 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों के लिए रेफर किया गया है। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए, इतना भयावह ये हादसा था। तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल हुए हैं। वाकई बहुत दर्दनाक सुबह है, क्योंकि यहाँ पर जो कि अलीगढ़ और मुरादाबाद नेशनल हाईवे है, इस पर एक बस, रोडवेज की बस जो कि मुरादाबाद से मथुरा की ओर जा रही थी, और 2 जो कि चालक थे बस के, अलग अलग चालकों की लापरवाही, जो कि रेस के चक्कर में एक खाली खड़े ट्रक जो कि जिसमें बजरी बताया जा रहा है भरी हुई थी, उसमें जाके ठुक गई। और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि पीछे ये वही रोडवेज बस है जो कि मुरादाबाद से मथुरा की ओर जा रही थी, जिसमें 40 से 50 लोग इसके अंदर सवार थे, और कितना भीषण हादसा हुआ है, और इसमें लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, और इसमें मरने वालों की जो संख्या है वो 3 से 4 बताई जा रही है। अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुलिस लगी हुई है इसको पूरे, हम आपको दिखाएंगे कि ये पूरी बस है, और जो इसका पूरा साइड का जो हिस्सा है वो पूरा परखच्चा उड़ गया है, और जो सामान है बस में से उतारने का, ये बैग देखिए, बैग में कैमरा मैन से कहूँगा, ये बैग जो कि इसमें छात्र भी थे और बहुत सारे इसमें बच्चे थे। फिलहाल जो है खून से पूरी बस जो है लथपथ है, और पुलिस जो है बहुत तेज़ी से काम कर रही है, और जो मरने वालों की संख्या है वो 3 से 4 बताई जा रही है, अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। देखिए अंदर हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से जूते पड़े हैं, चप्पल पड़ी हैं, और जिस समय यात्री इसमें बैठे होंगे उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि आज उनको इस तरीके से हादसे का उनका शिकार होना पड़ेगा। और आपको दिखाएंगे चिप्स के पैकेट हैं बहुत सारे, और देखिए ये ताले हैं, कोई व्यापारी शायद इसमें बैठकर जा रहा होगा। तो वाकई एक बहुत दुखद हादसा हुआ है आज, और वाकई ही जो कि लापरवाही है रोडवेज के चालकों की, उस वजह से ये हादसा देखने को मिला है। सहयोगी फिरोज आलम के साथ में मोहम्मद सद्दाम, R9 के लिए उत्तर प्रदेश। 7:30 बजे रसूलपुर कैली के पास मुरादाबाद से बस जा रही थी अलीगढ़ को, और रसूलपुर कैली के पास एक ट्रक खड़ा था जिसमें बजरी लगी थी, वो ट्रक पंचर है, और ये रोडवेज के ड्राइवर ने बाएं साइड से उसको इतनी ज़बरदस्त भिड़न हुई है कि मौके पे 3 लोग की मौके पे मौत हो गई है, और करीब 6 लोगों को हम हॉस्पिटल भेजा गया है, और हॉस्पिटल में स्वयं उनका इलाज करा के उनको 2 तो रेफर हो गए मुरादाबाद, 4 वहाँ से डॉक्टर ने बताया है कि 4 कोई ज़्यादा घायल नहीं, इनको सिंपल दवा हो देके इनको हम छोड़ देंगे, और शेष 2-4 जो घायल थे उनको यहीं से वो चले गए हैं अपने अपने घरों को।